सौरमंडल के किनारों पर सोलर विंड और इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली रेडिएशन एक दूसरे से टकराकर एक भयंकर स्थिति को जन्म देते हैं। लेकिन खुशी की बात है कि नासा का वॉयजर 2 अब इस क्षेत्र से गुजर चुका है। वॉयजर स्पेस में हमेशा से एक ऐसा मिशन रहा जिसने हमें सौरमंडल के भयंकर रहस्यों से रूबरू कराया। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ है। 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखने वाले वॉयजर 2 ने अब जाकर वैज्ञानिकों के साथ हीलियोपॉज से गुजरते समय इकट्ठा किए गए डेटा को शेयर किया है। ये डेटा हमें सूरज की सोलर विंड से हीलियोपॉज में आई बदलावों के बारे में सटीक जानकारी देता है। चलिए नजर डालते हैं वॉयजर 2 द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा पर। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। हम जानते हैं कि सूरज भारी मात्रा में गर्म इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स को सौरमंडल में छोड़ता है जो कि रेडिएशन से भरी होती है। ये रेडिएशन काफी है किसी भी सैटेलाइट को भूनने के लिए। अगर किसी ग्रह के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सूरज से निकलने वाली रेडिएशन उसके वातावरण को पूरी तरह से खराब कर सकती है। पृथ्वी के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड है और यही वजह है कि हमारा ग्रह सोलर फ्लेयर से प्रभावित नहीं होता। सोलर विंड सौरमंडल में ग्रहों को भले ही नुकसान पहुंचाती हो, लेकिन वॉयजर 2 द्वारा दी गई नई ऑब्जर्वेशन हमें बताती है कि सोलर विंड इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली खतरनाक फोर्सेस से हमारी रक्षा भी करती है। सोलर विंड स्पेस में हर दिशा में यात्रा करती है, साथ ही साथ ये ऊर्जा का एक ऐसा बबल बनाती है जो पूरे सौरमंडल को घेर के रखता है। इन बबल्स के किनारे पर सोलर विंड बहुत ही शक्तिशाली होती है और ये इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेज से टकराकर हमारी सौरमंडल में उन्हें प्रवेश नहीं करने देती। इंटरस्टेलर स्पेस में प्लाज्मा की एक गर्म मोटी दीवार है जिसे हीलियोपॉज कहा जाता है। ये कॉस्मिक बॉर्डर स्पेस में सूरज से 120 गुना ज्यादा दूर है। कॉस्मिक बॉर्डर के क्षेत्र में सोलर विंड, डिस्टेंट स्टार्स और सेलेस्टियल एक्सप्लोजन से आने वाली सितारों की पावरफुल रेडिएशन को डिफ्लेक्ट और डाइल्यूट करती है। बता दें कि नवंबर 4 को वॉयजर 2 से वैज्ञानिकों को कुछ जानकारी मिली। इस जानकारी की मदद से रिसर्चर्स ये पता लगाने में सफल हो सके कि हीलियोपॉज से गुजरते हुए वॉयजर ने प्लाज्मा बैरियर को उम्मीद से ज्यादा गर्म और गाढ़ा पाया। ये प्लाज्मा प्रभावी रूप से सौरमंडल और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच एक फिजिकल शील्ड का निर्माण करता है जो कि 70% कॉस्मिक रेडिएशन को सौरमंडल में आने से रोकती है, ताकि इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली हाई रेडिएशन हमारी सौरमंडल को नुकसान न पहुंचा सके। ध्यान देने वाली बात है कि सूरज से आने वाली सोलर विंड जो ग्रह को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, वही सोलर विंड सौरमंडल के किनारों पर हमें इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली रेडिएशन से बचाती है। हीलियोपॉज एक ऐसा कॉन्टैक्ट सरफेस है जहाँ पर सूरज की सोलर विंड सुपरनोवा से आने वाली विंड से भी टकराती है। नवम्बर 2018 में नासा का वॉयजर 2 हीलियोपॉज से गुजरा। ये इतिहास में दूसरी मानव निर्मित वस्तु है जिसने सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा। इससे पहले वॉयजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा था, लेकिन वॉयजर 1 अपने सेंसर माल फंक्शन के चलते सौरमंडल के किनारों से डेटा इकट्ठा करने में पूरी तरह से असफल रहा। यही वजह थी कि वैज्ञानिक इस बात को समझ नहीं पाए थे कि सौरमंडल के किनारों पर सोलर विंड किस तरह से काम करती है। लेकिन आज ये तस्वीर वॉयजर 2 की बदौलत साफ होती नजर आ रही है। वॉयजर 2 द्वारा इकट्ठा रेडिएशन डेटा हमें बताता है कि इसकी इंटरस्टेलर यात्रा के दौरान हीलियोपॉज में तापमान 31,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये तापमान एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल्स द्वारा लगाए गए अनुमान का लगभग 2 गुना है। वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि हीलियोपॉज में सोलर विंड और कॉस्मिक रेज के बीच होने वाला क्लैश हमारी गणनाओं से भी ज्यादा भयंकर है। भले ही हीलियोपॉज में प्लाज्मा की गर्म दीवार हमारे सौरमंडल को स्पेस की हानिकारक किरणों से बचाती है, लेकिन रिसर्चर्स ने ये भी पाया है कि हीलियोपॉज की बाउंड्रीज यूनिफॉर्म नहीं है। इसके किनारे एक परफेक्ट बबल नहीं बनाते। इन बबल्स में कुछ होल्स हैं जिसके चलते इंटरस्टेलर रेडिएशन सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। वॉयजर 2 ने अपनी स्टडी में हीलियोपॉज पर बने 2 होल्स का भी पता लगाया। उसने पाया कि इन दोनों होल्स पर रेडिएशन स्पेस के बाकी हिस्सों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऐसे में ये बात साफ होती है कि सौरमंडल के किनारों पर हमारी रक्षा करने वाला बबल शायद परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये अंतरिक्ष के क्रूर रेडिएशन से हमारे सौरमंडल को बचा कर रखती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।